कोरिक्स डीएक्स सिरप के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। एक बहुत ही पॉपुलर सिरप है जो इंडिया में यूज होती है खांसी के लिए। तो ध्यान रखें, ये सूखी खांसी की दवा है और खांसी के लिए कई तरह की दवाइयाँ यूज होती हैं। उसमें जो कोरिक्स डीएक्स है उसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कैसे लेना है, क्या सावधानी रखना है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कोरिक्स नाम की भी कई तरह की दवाइयाँ आती है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और कोरेक्स डीएस के अंदर जो भी साल्ट है, जो कंपोजिशन है, उस तरह की जो भी कफ सिरप है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। कोरेक्स डीएस के बताने का मेरा मकसद ये है कि बहुत पॉपुलर है इंडिया में, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। कोरेक्स नाम की पहले भी कुछ दवाइयाँ आती थी जिसके अंदर जो कुछ एक कंपोजिशन जिसको बैन कर दिया गया है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। गुड इवनिंग साथियों, कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ये दवा के अंदर क्या क्या होता है, किन कंडीशन में दी जाती है, कितना देना है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी रखना है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग। ये फाइजर कंपनी बनाती है और इसके अंदर होता है क्लोरफिनरामाइन, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक दवा है। हम लोग इसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन, मतलब कि ये एलर्जी में भी काम करती है, जैसे नाक बह रही हो या आँखों में अगर वाटरिंग वगैरह हो रही हो, तो बेसिकली एलर्जी के जो भी लक्षण होते हैं, खुजली होना, नाक से सिक्रीशन होना, ये सब। और दूसरी ये मेन दवा है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोमिथारफन, ये मतलब मेन दवा है जो खांसी में काम आती है। और ये ध्यान रखें कि ये जो खांसी है ये सूखी खांसी में काम आएगी। सूखी खांसी मतलब कि कुछ भी बलगम वगैरह नहीं आ रहा है तब के लिए है, और बलगम आता है तो फिर दूसरी तरह की दवा दी जाती है। उसमें खांसी को रोका नहीं जाता, बल्कि बलगम थोड़ा सा ढीला हो जाए, जल्दी बाहर निकल जाए, ऐसी दवा दी जाती है। और कीमत की बात करें तो ये 50 ml 84 की आती है, तो ऐसे 100 ml आप लेंगे तो इसका डबल मोटा मोटा माने 150 रुपये की। अब थोड़ी ये कोरेक्स दवा के बारे में कुछ और हल्की सी जानकारी आपको दे दूं कि जो कोरेक्स है शुरुआत में इस तरह की आती थी बॉटल, इसमें क्या होता था, क्लोरफिनरामाइन और साथ में कोडीन होता था। अब ये कोडीन क्या होता है, ये नारकोटिक दवाई ऐसा बोल सकते हैं कि इससे लत लगती है, नशा होता है, आदत होती है। ये जो अफीम का पौधा होता है, ओपियम प्लांट, वहां से हीरोइन, कोडीन, फॉल कोडीन, ये सब वहीं से बनता है, और भी दूसरी तरह की नशीली दवाइयाँ। इसलिए इस पे अभी फिलहाल कोडीन पे तो पूरा बैन है, इसलिए कोरेक्स पे बैन है, क्योंकि लोग इसको नशे की तरह यूज करने लगे थे, तो ये मार्केट में नहीं है। और ये वाली जो भी दवा है ये भी अब बैन ही हो गई है, कोरेक्स टी करके बाद में निकाली फाइजर ने, अब इसको भी बैन कर दिया गया। तो बेसिकली क्या होता है, नशे की दवाइयाँ जो ऐसी कफ सिरप जिसमें कोडीन होता है वो बैन है। पर कफ सिरप कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे ये अभी आपको मिल जाएगी एक कोरेक्स LS, ये बलगम वाली खांसी होती है, बलगम की खांसी है तो इसको लेना है कोरेक्स LS, या किसी और कंपनी की खांसी की दवा जिसके अंदर ये कंटेंट हो, जैसे कि लीवोसाल्बूटामॉल। ये क्या करता है, जो रास्ता होता है इसको चौड़ा करता है ताकि फेफड़े से बलगम अगर निकल रहा है तो बाहर निकल जाए, जैसा कि निमोनिया के केस में होता है, या अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या कोई और कंडीशन जिसमें बलगम निकल रहा हो। एम्ब्रोक्सॉल एक दवा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके से म्यूकोलिटिक दवा बोलते हैं। म्यूकोलिटिक मतलब इसको जो म्यूकस होता है उसको ढीला करती है एम्ब्रोक्सॉल। और ग्वायफिनिसिन एक दवा होती है जिसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट है, ऐसा बोलते हैं, मतलब ये क्या करती है कि जो बलगम है उसमें वाटर का सिक्रीशन बढ़ाती है, तो उससे फिर वो बाहर आसानी से निकल जाता है, बेसिकली ढीला हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं आसान भाषा में। जो मैं जानकारी दे रहा हूँ बेसिकली कोरेक्स डीएक्स, जो कि ये मार्केट में मिलती है सूखी खांसी के लिए, और ये कोरेक्स LS जो कि बलगम वाली खांसी के लिए। तो ये एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट बात आप समझ गए होंगे। अब ये कोरेक्स डीएक्स कैसे काम करती है, तो क्लोरफेनामाइन जैसा मैंने बताया कि ये एंटी हिस्टामिनिक है, तो जो एलर्जिक वाले सिम्टम्स रहते हैं, नाक का बहना, खुजली होना या वाटर सिक्रीशन होना नाक से, वो सारी चीज़ों को ये रोकती है। तो अगर आपको एलर्जी की वजह से सूखी खांसी आ रही है तो बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर सिर्फ खांसी आ रही है, जैसे कि सुबह सुबह आप उठते हैं धूल मिट्टी एलर्जन की वजह से, इन सब वजह से अगर हो रही, तो डेक्स्ट्रोमिथारफन ये मेन दवा होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कॉम्बिनेशन में लेना ज़रूरी है, अगर एलर्जी आपको नहीं हो रही है तो आप फिर ये वाली लेंगे, इससे ही काम हो जाएगा। तो इस तरीके से दो दवाइयाँ हैं, तो दो तरीके से काम करेंगी। उपयोग की बात करें तो उपयोग जैसा मैंने कहा कि सूखी खांसी के लिए किया जाता है, ऐसी खांसी जिसमें कोई चीज़ बलगम वगैरह नहीं आ रहा है, ना तो म्यूकस आ रहा है, ना ब्लड आ रहा है, ना कोई और चीज़ आ रही है। तो जैसे किसी को कोल्ड हो या हल्का फ्लू हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी हो या थ्रोट में इरिटेंट, ये कई वजह से हो सकती है, खाने की वजह से हो सकती है। कई बार गर्ड हम लोग बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं,
या इन्फेक्शन हो सकता है रिटर्न, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एलर्जी के सिम्टम्स हैं, वाट आँख से पानी निकल रहा है या सांस लेने में हल्का दिक्कत हो रही है, नाक बह रही है, थ्रोट में इरिटेशन, ये एलर्जी के सिम्टम्स हैं। तो ये दवा यूज होगी खांसी को रोकने के लिए। खांसी बहुत ही इरिटेशन वाला एक सिम्टम्स है, उसको फिर लेना ही पड़ता है थोड़े दिन के लिए दवा। और डोज इम्पॉर्टेंट है, ये दवा के नॉर्मली क्या होता है 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, और कुछ लोगों में 3 बार भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको आप ले लें, उसके बाद पानी पी सकते हैं। खाना खाने के बाद लेना बेहतर रहता है, खाने के बाद, वैसे पहले भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब नॉर्मली ये दवा जैसे आपको 7 दिन के लिए या तो 10-15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऐसा लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये रिव्यू किया जाता है कि आपको ये जो बीमारी है, जो सिम्टम्स है, क्यों आए हैं। अगर बहुत लंबे समय तक हो रही है तो हमेशा कारण हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टीबी है, कोई क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, कोई फेफड़े में और समस्या आ रही है, या अंदर कोई गठान वगैरह बन रही है। नॉर्मली हल्की एलर्जी वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह रहता है, तो उस सब में ये सपोर्ट करती है, खांसी रोकने में मदद करती है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये तो डोज या कैसे कितना लेना है, इसके जो साइड इफेक्ट हैं, अब इसमें एंटी हिस्टामिनिक होने के कारण ये वाले जो साइड इफेक्ट हैं वहीं से आते हैं, मुँह का सूखना या गले का सूखना, नाक भी बंद हो सकती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है कि नींद आना। अब ये काम ही ऐसे करती है कि जो कफ के रिफ्लक्स है उसको रोकती है, तो इसलिए नींद का आना, इसके अलावा चक्कर आना, कुछ लोगों में कब्ज हो सकती है, आँखों में धुंधला दिखाई देना, तो अजीब सा लगना, पेट खराब हो जाना और नींद नहीं आना, तो ये कुछ लोगों में होगा, सब में नहीं होगा, मतलब 50% ज़्यादा लोगों में तो ये लक्षण नहीं आते। ये दो लक्षण जरूर हैं कि थकान, नींद लगना हमेशा, और कई कुछ लोगों का जी घबराना, चक्कर आना। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब ये दवा आप लें तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे रिस्क हो, एक्सीडेंट वगैरह, गाड़ी चलाना या कोई मशीन चलाना, ये सारी चीज़ें। तो ये दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, और पेट वगैरह डिस्टर्ब होना, गैस बनना, ये सब भी हो सकता है। अब कोरेक्स DX या बहुत सारी ऐसी कप सिरप जिसमें DX होगा, इसका मतलब है कि डेक्सट्रोमिथारफन होगा, और साथ में अगर इसमें क्लोरफिनरामाइन, तो वो इसी तरीके जो मैंने जानकारी दी है यही वाली चीज बातें आपको जाननी चाहिए। बहरहाल ये एल्कोहल अवॉइड करनी है, क्योंकि ये भी क्या करता है, डिप्रेशन करता है, सिडेशन कराता है, नींद आती है, मतलब दिमाग के ऊपर इसका भी असर है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल भी ना लें। और ड्राइविंग वगैरह करने से एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ता है। थोड़ा ज़्यादा उस दौरान पानी पीने की सलाह दी जाती है कि जो आपके नाक वगैरह बंद हो रही है, एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उसको रिलीव करने में मदद मिलती है, गला क्लियर करने में मदद मिलती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ एक क्वेश्चन जरूर लोग पूछते हैं कि ये दवा जो खांसी की है, क्या ये एंटीबायोटिक है? तो ये एंटीबायोटिक नहीं है। दूसरा, क्या इससे आदत लगती है? तो ये वाली कफ सिरप से आदत नहीं लगती, मतलब ये वो वाली दवा नहीं है जिससे डिपेंडेंसी आती है, तो आदत नहीं लगती, डरने घबराने की बात नहीं है। अब दूसरा, कि क्या ये नशे के रूप में इसको यूज करते हैं, ये कर सकते हैं क्या? तो ये नशे के रूप में ना तो यूज होती है, ना तो करना चाहिए, कोई कुछ नहीं होगा इससे, बल्कि नुकसान हो जाएगा, ओवरडोजिंग हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे। और कितने दिन तक ले सकते हैं? तो बहुत लंबा नहीं लेना है, आप 15 दिन लो, 10 दिन लो, महीने भर भी ले सकते हैं, 20 दिन भी। अगर इससे भी नहीं ठीक हो रही तो हमें हमेशा कारण देखना है। ये सिर्फ बीमारी नहीं ठीक होती है इस कफ सिरप से, इससे क्या होता है, सिर्फ लक्षण ठीक होता है। ये जरूरी बातें हैं, कितना कैसे लेना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये एक पॉपुलर कफ सिरप है फाइजर कंपनी द्वारा, कोरेक्स DX, जो कि मार्केट में सूखी खांसी के लिए है, और अगर बलगम वाली खांसी है तो कोरेक्स LS, उसके अंदर कंटेंट अलग होता है, वो अलग तरीके से काम करती है। और बाकी जो कोरेक्स नाम की पहले कुछ दवाइयाँ हैं बंद हो गई हैं, क्योंकि लोग उससे नशे की तरह यूज करते थे। थैंक यू।